हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि पहला व्लॉग है मेरे चैनल का, और दूसरी बात जो हम आज दिखाने वाले बहुत ही स्पेशल चीज़ है। अगस्त सितंबर इसी महीने में हम देख सकते हैं वो चीज़, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे लोग अलीबाग में आ चुके होंगे, लेकिन अलीबाग में घूमते बहुत सारी जगह पर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो अलीबाग में है लेकिन उनके बारे में पता नहीं बहुत सारे लोगों को। तो आज उसी में से एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे हमारा प्लान कुछ अलग था, मतलब हम मुंबई से अलीबाग जाने वाले, और मुंबई से अलीबाग जाने के लिए हमने बहुत सारी तैयारी की थी कि हम शूट करेंगे, मतलब कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। ऑफ कोर्स हम बाइक से ही जाने वाले, लेकिन हमने बहुत सारी मतलब ऐसी दिमाग में सोच के रखा था कि हम शूट मतलब पूरा ट्रैवल हमारा दिखाएंगे हम कैसे जा रहे हैं। अभी की जो सिचुएशंस है महाराष्ट्र में, मतलब बहुत जगह पे बारिश बहुत हो रही है और बहुत जगह पानी भर चुका है, इस वजह से बारिश कंटिन्यू होने की वजह से हम ये शूट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम डायरेक्ट आपको अलीबाग से दिखाएंगे। अभी हम यहाँ से जल्द निकलेंगे और अलीबाग में जाके हमारा व्लॉग शुरू करेंगे मेरे घर। अभी फटाफट हम यहाँ से निकल दें और हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ 2-3 मंथ्स सिर्फ दिखती है साल में, और दूसरी बात दिन में भी उसका मतलब वो दिखने के चांसेस बहुत कम। ओके, तो चलने के लिए तैयार। यह है हमारा घर, ये देखिए, ये है। वैसे मैगी बहुत ही डरी हुई थी। हेलो पूजा। ये छोटी सी पतली सी गली है, गली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, यहाँ से मतलब किम बीच में आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो इन पार्किंग के वापस के लिए हमें जगह मिलती है कार पार्किंग के लिए, एक है ये वाला रास्ता। अभी बारिश की वजह से मतलब जो साल भर में लोगों ने गंदा किया था, मतलब हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं समुंदर में उसका सब कुछ रिटर्न में ये हमें मिल जाता है। Hi. ये देखिए यार, हमें वहाँ पे जाना है नीचे, वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे। ए अंजलि, अंजलि हेलो बोलो यार। लोग यहाँ पे मतलब कोंकण में रहते उनको सबको पता है कि यहाँ की मतलब यहाँ के फिश बहुत ही फेमस है। ऐसे पत्थर होते हैं, ये पत्थर होते हैं, उसमें से भी हमें एक ऐसी बहुत ही बढ़िया चीज़ खाने के लिए मिलती है, वो उसका नाम है मराठी में उसको कालो कहते हैं, कालो ये सब कुछ। ये जो चीज़ है ना, बहुत ही
बढ़िया लग रही है, और ये कैसे निकलते हैं ना मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो कालव है, मतलब एक ये कालव बोलते हैं ना मराठी में, उसका ये कवर है, मतलब ये ऐसा कवर होता है। ये अभी टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है। ये जो कालव है ना, ये ऐसा ढका हुआ रहता है, जो हम उसको किले से या फिर किसी और चीज़ से वो ऐसा तोड़ते हैं। वो तोड़ने के बाद ये पूरा बाहर आता है, और बाहर आने के बाद जो अंदर से वो निकलता है ना, वो कलेक्ट करके उसके बाद मतलब टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तवा फ्राई भी कर सकते हैं इसका, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस हो सकती है इसकी। स्पेशलिटी मतलब फिश खाने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ से, मुंबई से, पुणे से। तो अगर यहाँ पे कभी आओ तो फिश ज़रूर खा के जाना। और दूसरी मतलब यहाँ पे टेम्पल्स बहुत बढ़िया है, बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। मतलब कीम में एक ऐसा टेम्पल है जो 150 साल पुराना है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी भी उसको लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, अभी भी वहाँ पर लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। बहुत सारी चीजें देखने के लिए। वो देखो वहाँ पे लड़ाई हो रही है। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये शिवलिंग, मतलब ये बहुत बहुत सालों से यहाँ पे, इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा। जो पहले मतलब बहुत सालों पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था हमारे किनारे पे, समुद्र के किनारे पे ही। वहाँ पे अभी एक मस्जिद है, वहाँ पे जो शिवलिंग था उसमें ये शिवलिंग और एक नंदी था, मतलब एक नंदी होता है ना शिवलिंग के आगे। तो ये शिवलिंग कुछ लोगों ने वहाँ से उठा के समुद्र में फेंक दिया, और उसके साथ वो नंदी भी फेंक दिया। ये शिवलिंग अभी यहाँ पे है, मतलब ये पूरा जम गया है यहाँ पे नीचे, मतलब पत्थरों के साथ वो होता है ना, वो पूरा जम गया है। और जो नंदी है वो नंदी यहाँ से कुछ यहाँ पे सामने, मतलब बहुत ही अंदर रखा गया है वो नंदी। और वो कभी कभी दिखता है, मतलब वो पानी जब ज़्यादा अंदर जाता है तब वो नंदी दिख जाता है हमें। बहुत लोगों ने निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो हुआ नहीं उनसे, क्योंकि ये पत्थरों से बहुत ही जम जाता है। अगर हम देखा जाए तो दो बर्फ़ के गोले अगर हम लेंगे और वो एक दूसरे से चिपकाएंगे तो वो कैसे जुड़ जाते हैं, वैसे ही पत्थरों का भी है, ये जुड़ जाते हैं। इसलिए वो बहुत ही
मजबूत तरीके से अंदर से जुड़ गए, इसलिए वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये जो शिवलिंग है उसकी एक और खास बात है, मतलब यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं, जो लोकल लोग हैं यहाँ के और आसपास के लोग हैं ऐसा मानते हैं कि ये मतलब ये कुछ समय के लिए ही दिखती है यहाँ पे। मतलब अगर हम देखा जाए तो बारिश के मौसम के बाद या फिर पहले मई जून उस मौसम में ये नहीं दिखती, मतलब ये सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए दिखती है, मतलब जो श्रावण मास आता है उस वक्त के लिए सिर्फ ये विजिबल होती है यहाँ पे। बारिश में जो कुछ भी रेत मिट्टी जो होती है समुंदर की, तो वो सब पानी पूरे फोर्स से बाहर निकलता है और उस वजह से ये सब मिट्टी होती है, ये सब रेत होती है, वो उस पर से हटके ऊपर की तरफ जाती है, उसकी वजह से वो दिखने लगती है। और जब बारिश जैसे जैसे खत्म होती है, जैसे श्रावण मास खत्म होता है, तब तब वैसे वैसे उसका बारिश का फ्लो अंदर की तरफ खींचता है, और अंदर की तरफ खींचने के बाद वो पूरा मतलब रेत है वो अंदर की तरफ लाता है और पूरा उस पर बैठ जाता है। ये इसके पीछे का कारण है, वो ज़्यादातर लोग कहते नहीं किसी से, मतलब किसी को पता भी नहीं होता ज़्यादातर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये जो लाइन है समुंदर के किनारा है पूरा, वो पूरा मतलब पूरी हाइट उसकी हो गई है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो सब जो मिट्टी है यहाँ पे अंदर की, जो ये सब मिट्टी होती है वो सब आगे ढकेल देता है पूरा आगे की तरफ, और इसी वजह से ये जो शिवलिंग है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके शिवलिंग पे आके माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा का भाग है, भगवान पे पूरा विश्वास रखते हैं। हम कोई मतलब ऐसा नहीं कहते कि ये झूठ है गलत है, लेकिन जो टेक्निकली सही है वो हमने यहाँ पे हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये जो सामने दिख रहा है ये एक प्रोजेक्ट था, लाइट होती है हमारी घर की, वो एक जनरेशन के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे डाला गया था, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि जो ये जो मौसम है, मतलब जो लहरें होती है बारिश की, वो बहुत ही किनारे पे बहुत ही ज़्यादा जोरों से आती है। इसकी मटेरियल था वो पूरा लोहे का था, पूरा जो सेटअप उन्होंने किया था, लेकिन वो पूरा सेटअप किनारे की ओर किया गया, इसीलिए जो सेटअप था पूरा खत्म हो गया। उसके बाद फिर से उन्होंने कुछ सेटअप किया नहीं, क्योंकि वो प्लान फेल हो गया था। हमें दो लोगों ने बहुत ही ज्यादा मदद की है, ये है पूजा और ये है अंजलि कैमरा पकड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने के बाद आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, शुक्रिया, सेफ रहिए, थैंक यू वेरी मच।